साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नीरज भाई पटेल की। ये एक ऐसा यूट्यूबर है जो कि अपने आप को ओबीसी एससी एसटी का बहुत बड़ा इतिहासी बताता है। मुसलमान इसके सगे भाई हैं और हिंदू इसके सबसे बड़े दुश्मन। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वो इसका सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो। साथियों, एक कहावत है कि डोली के रखवाले ही डोली के लुटेरे निकले, जो कि इस व्यक्ति पर सटीक बैठती है। और इसी कहावत को आज हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। जय श्री राम साथियों, मैं हूं हितेश राजपूत और आप देख रहे हैं लोधी म्यूजिक। साथियों, ये अपनी हर वीडियो में हिंदू धर्म को ढोंग पाकन ढकोसला आदि आदि चीजों से पुकारता है और हिंदू धर्म का बार बार ये मजाक उड़ाता है। दरअसल हिंदू धर्म का मजाक बनाना इसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म का मजाक बनाने से इसका चैनल चलता है और इसके घर में चूल्हा जलता है। हिंदू धर्म का विरोध करने से ही इसे रोजी रोटी मिल रही है। अगर ये हिंदू धर्म का विरोध करना बंद कर दे तो इसके घर का चूल्हा भी जलना बंद हो जाएगा। साथियों, आपको इसकी वीडियो के नीचे यूपीआई नंबर दिखाई दे जाएगा, जहां पर ये साफ साफ भीख मांगता है और कहता है कि मुझे डोनेशन दो। और उसी वीडियो में ये व्यक्ति ब्राह्मण समाज को भिखारी बताता है, उनको ढोंगी पाखंडी बताता है। साथियों, इसकी सोच को आप समझिए कि खुद तो यूपीआई नंबर दे रहा है कि मुझे भीख दो डोनेशन के रूप में, और वहीं यह व्यक्ति उन व्यक्तियों को जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको भिखारी बताता है। बैल प्लेट नीरज भाई, बैल प्लेट। साथियों, ये अपने आप को ओबीसी एससी एसटी समाज का बहुत बड़ा इतिहासी कहता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो भी ओबीसी व्यक्ति है वो इसका भाई है और इसकी ये मदद करेगा और उसके साथ में जो भी गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाएगा। लेकिन लेकिन साथियों, जैसे ही ओबीसी समाज का व्यक्ति इसे ऐसे लगता है कि वो इसकी विचारधारा के विपरीत है, अर्थात हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, बहुत सारे ऐसे ओबीसी नाम हैं जो कि इसकी विचारधारा पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, वो इसके उलट करते हैं, अर्थात वो अपने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद की सोच को रखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि ओबीसी या एससी समाज से है और वह धार्मिक है और राष्ट्रवादी है, तो ये मान लीजिए कि नीरज भाई पटेल उसे इंसान ही नहीं मानेंगे, उनकी नजर में वो गुलाम, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडी, ढोंगी, तमाम ऐसे शब्द हैं इनकी डिक्शनरी में जो ये उनके लिए यूज करता है। अर्थात इसका जो दलित प्रेम है, ओबीसी एससी प्रेम है, वो तब खत्म हो जाता है। अर्थात इसके लिए एक नीला प्राणी होना चाहिए और इसकी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए, तभी एक ओबीसी व्यक्ति इसको सही लगेगा और एक इंसान नजर आएगा। अगर वह व्यक्ति राष्ट्रवादी और धार्मिक होता है तो इंसान इंसान ही नहीं है, चाहे भले वो ओबीसी का हो चाहे वो एससी समाज का हो। ये तो इसका दोगला चरित्र साफ उजागर होता है। पहले शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव, संयोग से या यूं कहें साजिश के तहत दोनों पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों से इस तरीके के काम करवाए जा रहे हैं कि उनके समाजों की जड़ों में मट्ठा डलवाया जाए। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, घोषणा करते हैं कि राम और कृष्ण को पाठ्यक्रम में शामिल करवाया जाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक इतना बड़ा केस हो गया, जहां पर संविधान को रोजाना अपने पैरों तले कुचला जाता है, वहां पर शरीयत कानून को माना जाता है, वहां पर इस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता, मुसलमान तो इसके अपने सगे हैं, जबकि मैंने पहले ही बताया कि हिंदू इसके दुश्मन है। तो साथियों, पश्चिम बंगाल में इतने बड़े केस पर इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जहां पर एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया और आज पूरा देश उसके लिए खड़ा है, पूरा देश उसके लिए रो रहा है, पूरा देश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा है, जबकि ये व्यक्ति अपने चैनल के माध्यम से एक शब्द नहीं उस महिला पर बोल पाया। वहीं अगर हम कन्नौज और अयोध्या की बात करें तो वहां पर भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि भैया जिस पार्टी के नेता उन केसेस में इन्वॉल्व है उनकी विचारधारा और इस व्यक्ति की विचारधारा तो भैया मेल खाती है, तो भैया ये कैसे बोल जाएगा? जहां विचारधारा मेल खाती है वहां ये व्यक्ति अपना अपना देखता है, और जहां इसकी विचारधारा अगेंस्ट हो जाती है वहां यह व्यक्ति उसको अपना शत्रु दुश्मन मान लेता है। साथियों, अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े दोगलेपन की। साथियों, राजस्थान में एक घटना घटी है। एक लड़का है स्टूडेंट जिसका नाम है देवराज, यह एससी समाज से आता है और इस व्यक्ति को एक शांत प्रिय समुदाय अर्थात मुसलमानों ने बुरी तरीके से उस हत्या कर दी,
लेकिन इस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और इसी व्यक्ति की क्यों बात करूं मैं, चंद्रशेखर रावण, मायावती और जितने भी दलित तेजी बनते हैं आज वो चुप्पी साधे हुए हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई है ताकि उस पीड़ित को न्याय मिल पाए। और आज ये व्यक्ति देखिए अपने चैनल के माध्यम से ढोंग ढकोसला हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, लेकिन देवराज के लिए इसके मुंह से एक भी न्याय की बात नहीं निकली होगी। इससे बड़ा इसके लिए दोगलापन क्या हो सकता है। साथियों, जब जब दलित समाज के साथ में कोई मुसलमान बुरा करता है तो ये व्यक्ति अपने मुंह पर पट्टी बांध लेता है और अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता। क्या मजबूरी है इस व्यक्ति की कि ये उन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू धर्म को टारगेट करता है। जहां इसे मौका मिल जाता है कि अब मुझे यहां पर हिंदू धर्म को टारगेट करना चाहिए, वहां जरूर करता है। इसके चैनल पर आप एक लंबी लिस्ट देख लीजिए कि सिवाय हिंदू धर्म के विरोध के और बीजेपी विरोध के कुछ भी नहीं मिलेगा। साथियों, अगर ये ऐसा कर देता, देवराज के लिए आवाज उठा देता, तो इसकी यहां पर पोल खुल जाती और ये अपने मालिक मुल्लाओं के खिलाफ कैसे बोल पाता, इसकी मजबूरी समझिए आप। साथियों, सबसे बड़ी मजबूरी इसकी यही है कि यह सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि इसकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। साथियों, ऐसे दोगले लोगों के चरित्र को आप समझिए और इनका विरोध कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री राम।